हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की, और जैसा कि कल हमने चर्चा की थी, गिरावट की संभावना दिख रही है, अभी भी दिख रही है। सबसे पहले तो आज जो शेयर अदानी ग्रुप के रह गए वो कल और परसों हम उसके ऊपर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे आराम से, क्योंकि वीकेंड है, छुट्टी का दिन है। अब हम इसकी बात करें तो वो भी हम चर्चा करेंगे, इसकी एनालिसिस। और एक चीज़ है कि कई लोग हमें कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि सेबी की रिपोर्ट कब तक आ सकती है, तो उसके ऊपर भी हम एनालिसिस करके जो है कल और या परसों उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। देखिए, यहाँ पर जो है आज के दिन 1010 के आसपास की क्लोजिंग रही, 1000 रुपये के आसपास का सपोर्ट लिया। अब यहाँ पर भी जैसे अदानी टोटल गैस का चार्ट है, थोड़ी बहुत सिमिलरिटी इसके अंदर भी जो है ऐसे ही दिख रही है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सिमिलरिटी दिख रही है। इसके अंदर भी वैसा ही दिख रहा है कि अब कुछ जो है बड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इलेक्शन के रिजल्ट आए उसके बाद, उससे पहले जो है एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी थी, उसके बाद कई दिन हो गए, 8 से 10 दिन की बात करें तो एक बहुत ही छोटी रेंज में यह कामकाज हो रहा है। तो अब सोमवार आने वाले या फिर पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है, या तो ऊपर या तो नीचे। और अभी मुझे संभावना जो दिख रही है इसकी, नीचे जाने की संभावना दिख रही है, जो है चार्ट के ऊपर दिख रहा है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और असली ट्रेडर्स जो है वो, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि असली ट्रेडर्स वो होता है जो कि दोनों ही सिचुएशन के लिए तैयार रहे, तेज़ी के लिए भी और करेक्शन के लिए भी। अगर किसी को ख़रीदना है तो नीचे में भी एक जो है अच्छी खासी एक, मतलब कि नीचे में बाइंग का अच्छा खासा मौका भी बन सकता है। अभी इसके RSI देखेंगे तब आपको पता चलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर ऊपर या फिर नीचे आने की एक जो है ये संभावना क्यों दिख रही है, क्यों ऐसा लग रहा है कि या तो ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट जब हम इसका देखते हैं तो सवेरे इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था, पूरे दिन में इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था, लेकिन आखिरी आधे घंटे में ये दो 15 मिनट की अगर कैंडल आप देखेंगे अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ, यहाँ पर आखिर आधे घंटे में वॉल्यूम अच्छा रहा, तो इसी वजह से इसके अंदर बुल्स और बेयर्स की जो है फाइट देखने को मिली। और ऐसी वजह से ऐसा लग रहा है कि सोमवार, मंगलवार या फिर आने वाले हफ्ते में कहीं ना कहीं तो ये जा सकता है। और मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि नीचे जाने की संभावना हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखें पूरे दिन चार्ट यहाँ पर बना रहा, उसके बाद आखिर में ये गिर कर बंद रहा। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इस ट्रेंड लाइन की हमने कल बात की थी, लोअर हाई की ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर भी इसका ब्रेकडाउन हो चुका। जूम कर कर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा हल्का सा जो है ब्रेकडाउन हुआ है इसके, ये जो ट्रेंड लाइन है उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी है। पिछले हफ्ते भी यही हालात थे, लेकिन इस हफ्ते इसके ऊपर निकलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर ये कामयाब नहीं रहा, नीचे रहा ये। और यहाँ पर साथ साथ एक चीज़ है कि बीच में अगर कुछ भी पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है तो इसके अंदर जो है बाउंस बैक या तेज़ी आ सकती है। और खास करके ये दोनों ही मूविंग एवरेज को पार करता है, ये 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज और 5 और 9 डेज का मूविंग एवरेज वहाँ पर टिकता है, तब इसके अंदर वापस से तेज़ी की शुरुआत हो सकती है। अदरवाइज या तो प्रॉफिट बुकिंग या तो कंसोलिडेशन हो सकता है। और ये कंसोलिडेशन भी अगर देखें तो बहुत इसके अंदर आ चुका, 8 से 10 दिन की बात करें तो एक छोटी रफ्तार में काम कर रहा है। अभी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर या नीचे जाने की संभावना रह सकती है, और मुझे तो नीचे जाने की संभावना इसके अंदर दिख रही है। और हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की, बाकी लॉन्ग टर्म में अच्छा रह सकता है, लॉन्ग टर्म में तेज़ी भी आ सकती है ऐसा लग रहा है। यहाँ पर अभी देखें बुलिंजर बैंक को, जैसे कि मिडिल लाइन 1050 के आसपास है, उसको नहीं क्रॉस कर पाया, तभी इसके अंदर गिरावट की संभावना लग रही थी, और अभी भी सिचुएशन वही बनी हुई है। अगर ये लेवल पार हो जाता है तो इसके अंदर ऊपर ये जो ये लाइन है वहाँ तक भी जा सकता है, जो कि 1150 रुपये के आसपास है, लेकिन अगर इसको पार नहीं कर पाता तो ये जो इसकी निचली लाइन अभी 1950 रुपये के आसपास है वहाँ तक जा सकता है, वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। MACD को देखें तो यहाँ पर न्यूट्रल कंडीशन जैसा दिख रहा है, बेरिश क्रॉसओवर अभी भी चालू है कंटिन्यू, लेकिन अभी भी इसके अंदर उम्मीद बाकी है। यहाँ पर अगर आप देखें मंथली चार्ट के ऊपर, अदानी टोटल गैस के अंदर भी वही सिचुएशन दिख रही है, इसके अंदर भी अभी भी वही सिचुएशन दिख रही है। यहाँ पर थोड़ा सा आगे और देखें यहाँ पर तो थोड़ा सा प्राइस इसका आप देख सकते हैं सभी, मतलब तो मंथली चार्ट के ऊपर MACD को अगर देखें तो यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर होने की तैयारी दिख रही है, लेकिन बुलिश क्रॉसओवर होने के लिए थोड़ी सी अगर तेज़ी आए, कुछ लेवल्स को पार कर दे, तब इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि मंथली चार्ट के ऊपर MACD का बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 21 महीनों का मूविंग एवरेज जो कि 1215 के आसपास है, उस लेवल को पार करता है तो उसके बाद एक अच्छी तेज़ी आ सकती है, और उसके बाद जो है यहाँ पर एक इस तरीके से बुलिश क्रॉसओवर भी हो सकता है। क्योंकि ये अगर बुलिश क्रॉसओवर होता है, ये मंथली चार्ट है ये ना बोले, इसके अंदर देर भी लग सकती है, एक एक कैंडल पूरे महीने की कैंडल है, अगर ये बुलिश क्रॉसओवर होता है तो काफ़ी महीनों बाद, काफ़ी टाइम बाद अगर ये, मतलब कि ये बुलिश क्रॉसओवर होगा अगर होगा तो उसके बाद एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और RSI को ज़रा देखें, अगर नीचे आता है तो यहाँ पर जो है अभी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत भी नहीं, जो है यहाँ पर नहीं दिख रही, क्योंकि RSI ऑलमोस्ट जो है 45 के आसपास है। अगर 50, 60, 70, 80 रुपये के आसपास की, 100 रुपये तक की भी अगर गिरावट आती है तो RSI इसका 30 के आसपास आ सकता है, वहाँ से वापस से बाउंस बैक आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर पिछली बार आया था, उसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया था, इसका आप देख सकते हैं। तो अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं, नीचे जाने की संभावना दिख रही है, फिर भी पहला सपोर्ट एरिया 1000 रुपये के आसपास का दिख रहा है, उसके बाद जो है 975 के आसपास का, उसके बाद 950, और उसके नीचे जो है 920 रुपये से लेकर 900 रुपये का जोन,
और अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 850 के नीचे जाने की संभावना इसकी कम दिख रही है। तो ये इसके सभी जो है सपोर्ट ये यहाँ पर है, इसको मतलब कि सपोर्ट दिख रहा है, इसको ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। अब अगर किसी भी रीज़न से बाउंस बैक आता है तो ये कहाँ तक जा सकता है, तो पहले जो है इसका रजिस्टर्ड एरिया दिख रहा है 1030 के आसपास का, उसके बाद 1055, उसके बाद 1075 और उसके बाद जो है 1100 से 1120 का लेवल। 1120 को अगर पार करता है तब इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, पहले 1200 1250 उसके बाद और भी ऊपर जा सकता है ये। सो सभी इन सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नीचे आ सकता है, उसके बाद एक जो है बाउंस बैक देने की संभावना इसकी रह सकती है। सो कल या परसों वापस से हम कुछ और शेयर के बारे में भी चर्चा करेंगे और इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे अगर कुछ न्यूज़ आती है या फिर वीकली चार्ट के ऊपर भी। तब तक के लिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। और एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। या वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।